शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे राम के मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे पास में अगर एक रुपया भी नहीं है ना, मत चढ़ाना। पर मंदिर के अंदर खड़े होकर पड़ोसन से मत कहना, जीजी मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं तेरे को, बाद में दे दूंगी। नहीं, बुरा तुमको नहीं लगेगा, बुरा मेरे महादेव को लगेगा कि मेरे सामने खड़ी होकर भी दूसरे के सामने हाथ फैलाती है। मुझसे तो कह हजारों का ढेर लगा देता, तो मुझसे तो कह। अब मंदिर में खड़ी है, शंकर के मंदिर में खड़ी है, कथा में बैठी हुई है, कथा में खड़ी। हम आपसे भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में आते हो, जेब में हो तो दान करो, तुम्हारा मन हो तो दान करना, तुम्हारा मन हो तो बिठले सेवा समिति को देना, नहीं हो तो पड़ोसी से मंग कर या पड़ोसन से मंग कर, एक रुपया भी मत देना। हमें झूठी शोहरत नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए जो महादेव के भक्त हैं। शोहरत से कुछ नहीं होगा, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा धन जो झूठी शोहरत का हो। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये दो पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण करती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती है। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं, वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है, जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग पड़ता है तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है वो टूटा हुआ गोखरू अशुभ सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देता है। तुलसी की माला, तुलसी का मन का हाथ में नहीं लपेटा जा रहा है, ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। तुलसी का मन का, तुलसी की माला को हाथ में नहीं लपेटा जाता, तुलसी की माला गले में होना चाहिए, या फिर जिस झोली में हम भज रहे हैं, जप रहे हैं, तुलसी की माला वहां। क्यों? तुलसी अगर गले में रहेगी, हम पहने रहेंगे, रोज हम गंगा नहाने नहीं जा सकते, सरयू यमुना मंदाकिनी नर्मदा नहाने नहीं जा सकते, तो जो हम बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी में से एक लोटा डब्बा एक पानी लेकर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी पर लगकर जब शरीर पर आएगा तो सारी नदियों के स्नान का पुण्य इस मनुष्य देह को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तुलसी गले में हो। कभी कभी फ्री रहा करो तो काशी काशी नाम भी 5 बार बोल दिया करो। हमारे यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग करते काशी काशी, अगर जप लो तो ही जीव का मुक्त हो जावे, जीव आनंद में पा जावे। ब्राह्मण जन करते, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक, हम तो कहे तुम्हारे यहाँ छोरा छोरी हो तो उनका नाम भी दर्द हो काशी, छोरा हो तो काशी, छोरी हो तो काशी भाई, काशी नाम तो निकल जाएगा। ये टिक्कू मिक्कू रखने से कौन सा तुम्हारा भला होने वाला है, हर कोई सा नाम दर्द हो। अरे अजामिल की कथा पढ़ो, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण नाम लिया, वो बेटा नारायण नहीं आया पर वो नारायण आ गया, और तुम नाम ऐसा रख दो टिक्कू, अब मालूम पड़ो टिक्कू यही टिका रह जाओगा।